वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो नाउ लेट अस कंटिन्यू द लाइफ हिस्ट्री एंड द मार्टिरडम ऑफ गुरु तेग बहादुर साहिब। आफ्टर परचेजिंग द लैंड फ्रॉम प्रिंस दीपचंद, ए टाउन वॉज फाउंडेड बाय श्री गुरु तेग बहादुर साहिब इन 1665। जो अनंतपुर साहिब है, अगर हम देखें तो सिख इतिहास में सबसे होली प्लेस, सेक्रेट प्लेस एंड जहाँ पे सिख से सिंह सजे थे, वो ये जगह है जहाँ पे सन 1699 ईस्वी को सतगुरदानी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिख से सिंह सजाया था। तो वहाँ पे 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन खालसा साजना दिवस मनाया गया था। तो उसके बाद औरंगजेब का शक्ति हिंदुओं पर की जा रही थी। तो आप गुरु तेग बहादुर साहिब जी पूर्व की ओर हिंदुओं में साहस, दृढ़ता और लोगों में निर्भय की धारस दी और आप अपने परिवार के साथ सिखी का प्रचार करने लिए चल पड़े। अनंतपुर से कुनोली, रोपड़ से होते हुए आप साबो की तलवंडी पहुंचे। रास्ते में आपको काफ़ी दसवंत भी जमा हुआ, जो आपने लोगों के लिए कहीं जगह कुएं खुदवाए और कहीं जगह बावलियाँ भी स्थापित की। उसके बाद आप आगे चलते रहे और कई गांव क्रॉस करने के बाद आप एक गांव थम तरंग पहुंच गए, जहां के एक सेवक ने आपकी जल से सेवा की, जिसका नाम रामदेव था। तो आपने उसको एक नाम दिया जो था पाई मियाँ। तो आज इतना ही। इसी के साथ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।